आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण प्रेमियों का मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी कृष्ण सखी यानी कि शिवी सखी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर, जो कि है चतुर्मास के बारे में, जो कि किसी ने मुझसे पूछा भी था और मैंने पहले भी सोच रखा था कि बनाऊँगी इसके ऊपर वीडियो। बहुत इंपॉर्टेंट है हम कृष्ण भक्तों के लिए, जो हम बनाना चाहते हैं, जो हमारा टॉपिक है इसमें, इस बारे में चर्चा करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसमें हम बात करने वाले हैं चतुर्मास में, जो कि स्टार्ट होता है देव शयन एकादशी से, इसे देव उठान एकादशी तक, यानी कि जो कार्तिक में पड़ती है, 4 महीने ये पड़ते हैं, वहाँ से शुरू हो जाती है। अभी कुछ दिन निकल गए हैं, लेकिन मैं लेट हूँ वीडियो बनाने में, लेकिन कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तो भाई इसमें क्या करना चाहिए, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि इसमें क्या करना चाहिए। चतुर्मास जो है ये भक्ति के होते हैं, इसमें मेनली हमें बहुत ज़्यादा इसमें साधना करनी चाहिए, डट के ध्यान करते हैं, ध्यान करना चाहिए, जाप करते हैं, जाप ज़्यादा करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए और मंत्र जाप करने चाहिए, ये सब इसमें हमको ज़्यादा करना चाहिए। और मैं सब बताऊंगी इस बारे में, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि मैं ठाकुर जी से संबंधित ऐसी वीडियोस बनाती रहती हूँ, समय समय पर लाती रहती हूँ, उनकी सेवा के बारे में, उनकी प्रेमा भक्ति के बारे में, लीला के बारे में। तो अगर आप चाहते हैं ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो शेयर ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से। जब हमको किसी से कॉन्टैक्ट करना होता है और वो हमको कॉन्टैक्ट नहीं करता, या मोस्टली ऐसा होता है जो हमसे उधार ले लेता है और फिर देने के टाइम पर फ़ोन नहीं उठाता, या मोस्टली लोगों के साथ ऐसा होता है जिसकी हमें नीड होती है वो हमें को हम उसको कॉन्टैक्ट करें वो नहीं उठाता, तो हम क्या कोशिश करते हैं, हम उसको बार बार फ़ोन मिलाते रहते हैं जब तक वो उठाए ना, मिलाते रहते हैं, उसको परेशान करते हैं, मिलाते रहते हैं, डायल नंबर इज़ बिज़ी, वो अंगेज आता रहे, हम फिर बार बार उसको मिलाते हैं, एक बार वो परेशान होकर उठा ही लेगा, तो ब्लॉक भी मार देते हैं संसार में लोग तो, लेकिन भगवान जो है वो ब्लॉक नहीं मारते। तो यही चीज़ है मंत्र की शक्ति जो होती है, या नाम की कह लो आप, या जो गुरु दीक्षित मंत्र होता है वो तो पर्टिकुलर एक नंबर या कोई भी मंत्र जो आप जपते हो, कहते हैं कि उसमें इतनी पावर होती है कि वो एक फ़ोन नंबर होता है। जैसे कहते हैं कि बार बार एक ही वर्ड बोलने से क्या होगा, वर्ड बोलने से नहीं, ऐसे तो जो नंबर हम डायल करते हैं 9259 इनको दबाने से ही ऐसा क्या होता है कि वो वहाँ फ़ोन मिल जाता है और वो आदमी उठा लेता है जिससे हमें बात करनी है। ठीक है, ऐसे ये अलग अलग मंत्र अलग अलग ईष्ट के हमारे जो हैं ये नंबर्स हैं उनको कॉन्टैक्ट करने के, तो हम इतने लाख जब करके हम उनसे कॉन्टैक्ट बना रहे होते हैं, उनको फ़ोन मिला रहे होते हैं, तो उनको हम कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं, तो ऐसा तो कभी ना कभी हमको डायल करते ना रहना चाहिए। जैसे इस लौकिक जगत में कोई वो बंदा उठा ही लेता है तो भगवान की बात है, तो हमको करते रहना चाहिए रेगुलरली जब, जिससे कि कभी ना कभी तो भगवान अंगेज जाएगा, कभी कभी तो हमारा कॉन्टैक्ट उनसे बनेगा और वो उठाएंगे, और ये हकीकत बात है। तो इसी के लेकर के चतुर्मास में हमको क्या करना चाहिए, हमें कुछ ना कुछ नियम ज़रूर लेना चाहिए, वो मैंने आपको बताया था वैसे गुरु पूर्णिमा की वीडियो में, इनडायरेक्टली मैंने आपको बताया था कि आप गुरु पूर्णिमा से कोई संकल्प ले सकते हैं, अगले गुरु पूर्णिमा तक था। तो इसमें चतुर्मास में चार मास चतुर्मास की, जैसा कि नाम में ही आता है कि 4 मास, तो उन 4 मास में यानी कि 4 महीनों में आप कुछ ऐसा संकल्प लें, 4 महीने में कुछ कर सकते हैं। जैसे आप अपने किसी जो मंत्र है आपका, अगर आप दीक्षित हैं तो आपका जो दीक्षित मंत्र है वो, या फिर जो अगर आप दीक्षित नहीं है तो हरे कृष्ण महामंत्र ले सकते हैं, या जो मंत्र आप करते हैं पहले से ही अपने इष्ट का वो आप उसका कुछ संकल्प ले सकते हैं कि मैं इतने लाख उसके जप करूँगा, जैसे कि 11 लाख का संकल्प ले सकते हैं, या फिर 108 माला रोज का जप, 108 माला का मैं रोज़ संकल्प, 108 मैं रोज़ करूँगा, 101 सबसे बेस्ट बताया जाता है किसी भी अनुष्ठान या जप का, 108 माला का जप डेली का सबसे परफेक्ट उत्तम माना जाता है, सबसे परफेक्ट संख्या है वो, उसमें सबसे जल्दी आपको जिस संकल्प से किया जल्दी आपको वो प्राप्त होगा, तो सबसे अच्छा माना जाता है। और बाकी 11 लाख बोला जाता है। बाकी एक जो मैं विशेष बात बता दूँ, अगर कोई भी मंत्र है उसमें जितने अक्षर होते हैं जैसे या का मा जो भी है उतने ही लाख जब से वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। जैसे कि द्वादश अक्षर मंत्र है जो, वो 12 लाख बार यानी द्वादश यानी कि 12 लाख बार जपा जाए तो वो सिद्ध हो जाता है। ऐसे कोई भी मंत्र में जितने भी अक्षर है उतने लाख जप करने से वो सिद्ध हो जाता है। तो सिद्ध होने का मतलब ये है कि उसकी जो अजीम जो उसकी पावर है मेन, वो हमको मिल जाती है, जिस उद्देश्य से वो मंत्र है वो हमको मिल जाता है।
तो ये मून बात है, आप ये याद कर लीजिए। आपका जो भी मंत्र है उसमें लाख जब का आप संकल्प ले सकते हैं इसमें, नहीं तो 11 लाख का ले सकते हैं, नहीं तो जितने आपकी सामर्थ्य है 1 लाख का भी ले सकते हैं, या दिन में 10 माला, 108 माला, 101 माला का आप नियम ले सकते हैं। और आप करके देखिए और फिर इसका असर देखिए आपकी लाइफ में क्या होता है, और आपके ऊपर इस चीज़ का प्रभाव देखिए कितनी जल्दी आपके बॉडी में ऊर्जा कितनी जल्दी डेवलप होगी इतने इतने 1000 मंत्र करके। नहीं दिन में टाइम भाग दौड़ी में मिलता तो आप रात को बैठिए और 1 घंटा निकालिए, रात को 1 घंटा बिना मतलब रील्स और शॉर्ट्स देखने में निकाल देते हैं, वो टाइम आप अपना यहाँ पर यूटिलाइज़ कीजिए और देखिए आपको ऐसा अनुभव होंगे जो आपको रील्स और शॉर्ट्स में देखने को नहीं मिलेंगे, ऐसे अनुभव आपको प्राप्त होंगे और एक अलग ही पर्सनैलिटी निखर के आएगी आपको, आप बहुत ही पावरफुल महसूस करेंगे और भी अनुभव होंगे आपको। ऐसे सवालों के जो भी आप संकल्प लेके करेंगे वो आपके संकल्प ज़रूर पूरा होगा। तो मंत्र से भैया होता है, सब कुछ होता है। मंत्र इज़ लाइक अ फ़ोन नंबर ऑफ गॉड, कि कोई कहता है हमें फ़ोन नंबर दे दो तो गुरु भैया फ़ोन नंबर ही देते हैं भगवान का मंत्र के ज़रिए। तो वो बशर्ते हम उसको बार बार डायल करते रहना चाहिए, बार बार रिपीटेडली डायल करते रहिए, कभी ना कभी तो उठाएंगे भगवान ने, ब्लॉक तो कभी मारेंगे नहीं। कुछ संकल्प लीजिए और संकल्प स्टार्टिंग में लीजिए जैसे लेते हैं, और फिर 4 मास में आपको कभी भी कंप्लीट करना है वो संकल्प वैसा लीजिए जो आप कंप्लीट कर, संकल्प वही होता है जो आप कंप्लीट कर लो, बीच में छोड़ दिया था वो नहीं, कुछ भी होगा हाँ फल तो मिलेगा ऑब्वियसली, लेकिन जो बात है वो जो जिस उद्देश्य से किया गया है वो नहीं मिलेगा। 30 दिन यहाँ अब से लेकर के 26 जुलाई है, 26 अगस्त की जन्माष्टमी है, तो 26 जुलाई 26 अगस्त एक महीना नहीं 30 दिन का 30 डेज वीडियो चैलेंज लेती हूँ मैं, हर एक दिन एक वीडियो आएगी किसी न किसी टॉपिक पर, 30 डेज 30 वीडियोस अच्छे महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियोस डालने का चैलेंज लेते हैं, ठीक है। हाँ तो आज से शुरू कर रहे हैं, यानी कि आप जब ये वीडियो डालेंगे तो 26 तो 27 तारीख होगी, है ना। तो चलिए अभी करिए और मुझे बताइए कि आपने किस किसने क्या क्या संकल्प लिया, नीचे कमेंट करके बताइए और अब मुझे आगे दीजिए क्योंकि मुझे भी बहुत कुछ करना है। और मैं चलती हूँ, हरे कृष्णा।